विज्ञान को लेकर घटती रुचि काफी समय से बहस का मुद्दा रही है, लेकिन शायद जरूरत इस बात कि विज्ञान की नई खोजों को रोचक ढंग से नई पीढ़ी के सामने रखा जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT ने कई ऐसी नई खोजों को आम लोगों के सामने रखा जो भविष्य की तस्वीर बदल सकते हैं। और तूफान में बिल्कुल सुरक्षित है और साथ ही सस्ता और इको फ्रेंडली भी। गांव में गरीबों की सस्ती झोपड़ी तो शहरों के लिए पेंट हाउस। पोलियो से पीड़ितों के लिए ये है सस्ता और काफी हल्का हड्डियों का जोड़। दूर दराज के कॉलेजों और छात्रों के लिए वायरलेस वर्चुअल लैब, यानी कोई भी बस अपने कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए IIT दिल्ली के प्रयोगशाला में कई तरह के यानी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि काफी जगहों पर वर्चुअल लैब्स की फैसिलिटी अब हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अपने कॉलेजेस में उनके लैब्स अवेलेबल है नहीं, यह टेक्निकल नोहाव नहीं है लैब्स बनाने की, सो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिमोटली लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। IIT दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों के ये नए आविष्कार और प्रयोग एक ओपन हाउस के जरिए आम लोगों स्कूली विद्यार्थियों के सामने रखे गए। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की कोशिशों ने आने वाली पीढ़ी में विज्ञान को लेकर जिज्ञासा पैदा की है। IIT पिछले 5 सालों से अपनी परियोजनाओं को न सिर्फ आम लोगों के लिए सामने रख रहा है बल्कि इसे और इंटरैक्टिव बनाने के लिए इस बार खास तौर से उद्योग जगत के साथ संवाद का आयोजन भी किया गया है, ताकि उद्योग जगत की जरूरतें और IIT के आविष्कार ज्यादा नजदीक आ सके। ये बात अक्सर कही जाती है कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ IIT में न सिर्फ इंजीनियर पैदा ले रहा है बल्कि वो विचार भी पैदा ले रहा है जो इस कमियत को खत्म कर सकती है और इस बहस को भी विराम लगा सकती है कि आखिर विज्ञान के क्षेत्र में भारत में क्यों नहीं और ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। ओम प्रकाश दास, DD News के लिए नई दिल्ली से।